ढाई महीने से लापता नाबालिग के साथ अनहोनी की आशंका, पुलिस खाली हाथ। जी आपको बता दें, जहां एक ओर सरकार के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जा सके, लेकिन जमीनी स्तर पर सारे अभियान चकनाचूर नजर आ रही है। यही कारण है हर रोज महिला और बालिकाओं के साथ हो रही घटनाओं में लगाम नहीं लग पा रही। अलीगढ़ के थाना जमा क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के ढाई महीने से गायब होने के बाद भी इलाका पुलिस खाली हाथ नजर आ रही। दरअसल पूरा मामला थाना जमा क्षेत्र के एक गांव का है, जहां गरीब परिवार मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वहीं परिवार वाले अपने खेत पर काम करने के लिए गए हुए थे, घर पर अपनी नाबालिग बेटी को छोड़ गए और छोटे छोटे बच्चे भी साथ में थे। जब परिवार खेत पर से काम कर घर लौटा तो देखा बेटी वहां नहीं थी। जब आसपास पड़ोस में तलाश किया तो पता चला कि उनकी बेटी को कुछ लड़के घर से बुला कर ले गए हैं। परिवार ने जब काफ़ी तलाश किया तो कुछ पता नहीं चला। नज़दीकी थाना पुलिस जमा को सूचना दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। परिवार पुलिस और अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक गया, लेकिन बेटी का कहीं पता नहीं चला। पुलिस परिवार को आश्वासन ही देती रही, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ। परिवार ने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ FIR हुई है वह यूं ही खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब हमने DSP से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि इसमें हमने टीम गठित कर दी है और जांच जारी है, मुकदमे के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। जिला अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट। गुल मोहम्मद उर्फ चीनी नाम है समीर। सर किस तरह घटना हुई, क्या मामला? ये घटना इस तरीके की है साहब, 11 अप्रैल को हम अपने खेतों पर थे और ये तीन लड़के हमारे घर पर, लड़की अकेली थी, हम खाना बनाने के लिए लड़कियाँ छोड़ कर गए तो ये तीन लड़के आए और ये तीनों लड़के मोइन, अजरुद्दीन और तकी, ये तीनों लड़के मेरी लड़की को पीछे उठा के ले गए। ये साथ दबंग लोग हैं, पैसे वाले हैं, मैं गरीब आदमी और मैं इनके खिलाफ मैंने FIR करी। जब मुझे पता चला, गांव वालों ने बताया कि तीन लड़की को ये ऐसे ऐसे लेके गए, तो मैं बस चौकी पहुँचा, चौकी से मुझे भगा दिया। फिर दो दिन के बाद मैं फिर गाँव के लोगों को कुछ लेके गया साथ में, तो मेरी 11 तारीख को तो लड़की गई और 12 तारीख में रिपोर्ट ली गई। तो अब चौकी वाले बोले कि लड़की मिल जाएगी आपकी और तुम थोड़ा शांत रहो, थोड़ी बर्दाश्त करो, लड़की का मैटर है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब टाइम के चक्कर में आज तक हमारी ढाई महीना हो चुका है, थाने जाता हूँ तो कोई सुनवाई नहीं, चौकी जाता हूँ तो कोई सुनवाई नहीं। किसी बड़े अधिकारी से मिले आप अभी? चलो SSP साहब के पास गया तो एक दिन पुलिस वाले एक दिन आए थे यहाँ, तो उनने भी गांव में आके धमकाया कि तू कप्तान, शिकायत पत्र दिया था मैंने, बोले उनने इनके लिए ऑर्डर करा, इनसे बातचीत करी दरोगा जी से और एसओ से, दोनों से बात करी। क्या नाम था बेटी का? बेटी का नाम है खुशबू। कितनी उम्र रही है? उम्र है उसकी 14 साल 9 महीने जिस टाइम गई है। अच्छा, पुलिस ने कोई सुनवाई किसी तरीके नहीं करी? पुलिस ने आज तक कोई सुनवाई ना करी। कौन सा गांव कहलाया था? ये गांव रगसपुरी है। थाना कौन सा लगता है? जमा। देखिए, थाना जमा में लगभग 2-2.5 महीने पहले एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें एक नाबालिग लड़की एक व्यक्ति के साथ चली गई थी। इसमें हमारी टीमें गठित कर दी गई थी और तब से अभी हम तलाश कर रहे हैं। इसमें सर्विलांस का भी सहयोग लिया गया है, साइबर सेल भी इसमें काम कर रहा है, शीघ्र ही बच्ची को बरामद कर लिया जाएगा। देखिए, इसमें जो है हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं और अगर इस तरह की कोई शिकायत हो तो इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा कोई ऐसी कोई हंगामे की सूचना नहीं थी, थाने पे आए थे और उसमें इंस्पेक्टर के द्वारा बात कर ली गई, हंगामा जैसी कोई बात नहीं थी। मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख, किस तरह घटना हुई है आपकी, क्या हुआ? घटना ये है कि हम 11 तारीख में करीब 9 या 10 के बीच में हम खेतों पर थे, यहाँ घर पर लड़की अकेली थी, खाना वाना बनाने के लिए हम घर पर छोड़ गए थे उसको, और 11 तारीख में ही करीब 10 बजे करीब लड़के आए तीन, जिनका नाम मोइन, अजरुद्दीन और मुस्तकीम है। वो लोग लड़की को ले गए बहला फुसला करके और उसके बाद में हम चौकी गए, चौकी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर हम थाने गए, थाने जाके हमने FIR की, FIR भी 12 तारीख में ली उन्होंने हमारी। फिर उसके बाद में हम गए 13 तारीख में नकल लेने के लिए,
उन्होंने कहा लड़की लड़के वालों के पास, लड़की लड़की वालों के पास है, लड़कों पर नहीं है। एक दिन उन्होंने थाने में रखा ला करके, फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो लड़के उन्होंने छोड़ दिए पुलिस ने। हम SSP साहब के पास चले गए, वहाँ एक दिन उन्होंने SSP साहब ने कहा SO साहब के लिए, और दरोगा जी को भी कहा, उन्होंने एक दिन तो कार्रवाई की, यहाँ पर आए, और उसके बाद में आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या लड़के आपके यहाँ पहले आते जाते रहते थे, क्या रिलेशन? नहीं नहीं, वो आते जाते नहीं थे, मोहल्ला पड़ोस का मामला है, तो आने जाने पर ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं है, कि मोहल्ले में तो आदमी घूमता ही है, कोई रोक भी नहीं सकता। क्या नाम था बेटी का? बेटी का नाम खुशबू है। कितनी उम्र रही होगी उसकी? उम्र 15 वर्ष के करीब है, उससे कम ही है। तो इसी तरीके कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं। कितना समय हो चुका है? 2.5 महीने बीत चुके हैं, 11/4/2021 की ये घटना है, और इसको 2.5 महीने बीत चुके हैं। कहाँ का शिकायत की है आपने? हमने DGP साहब को किया है, DIG साहब को किया है, CO साहब के लिए किया है, SSP साहब के लिए किया है, और दिल्ली के किया है, महिला आयोग के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। तो क्या लगता है आपको इसके? हमें तो यही लगता है कि बेटी को या तो हमारी को मार दिया, जब इतना पता बता ही नहीं रहे हैं, या फिर कोई साठ गांठ करके बैठे हुए हैं, यही लगता है हमको। कौन सा गांव कहलाया था? ये गांव रघसपुरी है। थाना कौन सा लगता है? थाना जवां। तो आप कौन लगते हैं बेटी? मैं लड़की का चाचा हूँ। आपका? कलुआ। कलुआ, क्या हुआ था आपके पड़ोसी की बेटी कैसे गायब हुई, क्या है? तो जी, मैं अपने गेहूँ काट रहा था, मुझे जो बात बताई तकी ने बताई। क्या बताया था? तकी ने बताया था कि नौका तेरे पड़ोस में कुछ होगा, मैं इनकी देखो मुँह तो पता ना भी होता, अपने गेहूँ खेत काट रहा हूँ। नौका अच्छी है, तो उसने फ़ोन करके अपनी खेत की मेड़ कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ बुलाया उन्हें, तो आना की नौका तो कुछ भी नहीं कहा होगा। नौका वो छोड़ कर आया, कौन को छोड़ कर आया? नौका वो छोड़ कर आया ये अजरुद्दीन, अपाची गाड़ी पर बरौली तक पुल तक, वहाँ के बाद पैसन पर गाड़ी पे गई है, वहाँ के बाद उन्होंने कोई बात नहीं बताई है। फिर मैं अपनी शाम के टाइम बस बनने चला गया। कौन है तकी? तकी ही पे पड़ोस में, मतलब। किस किस लड़की को लेके गए थे, क्या नाम था उसका? एक का नाम तकी और एक का नाम अजरुद्दीन, एक का नाम मोई। अच्छा, आपके पड़ोस की जो बेटी गई थी ये लोग लेके गए थे? उन्हीं ने बताया था आपको? हाँ जी, उन्हें तकी ने बताया मेरे को। अच्छा जी, क्या बताया? तो आपके पड़ोसी हैं ये लोग? जी बिल्कुल। लड़की कब से गायब है ये? लड़की जी 13 से, ये 11 से। हाँ, 11। कितने दिन हो चुके? कम से कम 2.5 महीना तो होगा। पुलिस को शिकायत आपने बताया? पुलिस को जाकर इस तरह घटना आपने कुछ बताया? पुलिस ने लट्ठी भी बजाया, बात बताओ, मैंने सब काम बताया। अच्छा, पुलिस को बताया था? जी। पुलिस की आपकी बात पर यकीन नहीं कर रही? जी यकीन, पता ना यकीन कर रही, नहीं कर रही, पुलिस का काम आगाही करने का।